अंजलि की मौत से जुड़े कई वीडियो और चश्मदीद सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उस रात का राज ये नहीं खोल पाए। वही पूरी जांच सीसीटीवी वीडियो पर निर्भर है, लेकिन उन सीसीटीवी वीडियो की टाइमिंग पर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय खास हो जाती है, तो दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी LN राव से जानने की कोशिश हमने की। बिल्कुल, हमने जानने की कोशिश की कि क्या सीसीटीवी से कोई छेड़खानी भी की जा सकती है क्या। तमाम सीसीटीवी फुटेज देखे हैं आपको, पहले तो कैसा लगता है इन तमाम सीसीटीवी को देखकर कि इस जांच में कितना अहम योगदान इन फुटेज का है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज एक साइंटिफिक एविडेंस है और ये जांच को आगे बढ़ाने में या जांच को मदद करने में बहुत काम आती है जी। अगर वो सीसीटीवी फुटेज सही टाइमिंग और सही है, एडिटिंग नहीं है या कोई ऐसे उसमें साथ छेड़छाड़ नहीं की है, तो बहुत मदद मिलती है इन्वेस्टिगेशन में। हाँ, लेकिन अगर हम इस मामले की सीसीटीवी देखें तो जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे अपने कैमरे पर दिखाएंगे तो आप ये सीसीटीवी है जब रात को जो अंजलि की दोस्त थी निधि वो अपने घर पहुंची और सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि घड़ी में 1:36 का समय हो रहा है और यहाँ पर निधि तस्वीरों में देखी गई कि वो घर के बाहर खड़ी हुई है। तो राव साहब, क्या ये संभव है कि 1:36 पर निधि अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि पुलिस की कहानी और जो जांच अभी तक ये कहती है कि जो घटना है वो 2 के बाद हुई है। हाँ, इसको देखते हुए कि घटना 2 बाद अगर कंफर्म हुई है, 2 बाद है, तो निधि का घटना के बाद अपने घर 1:36 पर पहुंचना, 1:36 सुबह पहुंचना क्वाइट इम्पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सीसीटीवी जो कैमरा है उसकी जो मॉनिटरिंग में छेड़छाड़ की गई हो, उसका टाइमिंग बदला गया हो। लेकिन वो ऑल पॉइंट्स आर फॉर इन्वेस्टिगेशन, की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो देखेगा कि क्या सारे हालात हैं, कौन सी बात है, वो सारी चीज देखनी पड़ेगी। अगर सीसीटीवी की टाइमिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है तो वो एक्सपर्ट जो भेजेंगे वहां FSL में वो उसको निकाल के ढूंढ पाएंगे। तो अंजलि की मौत के मामले में एक सवाल ये भी है कि आखिर अंजलि और उसकी दोस्त निधि की उस रात की गतिविधि वीडियो के जरिए सामने आ चुकी है, लेकिन उतने वीडियो आरोपियों के आखिर ट्रैक क्यों नहीं हो पाए। बिल्कुल, आरोपियों के ट्रैक नहीं हो पाए जिनमें ये साफ साफ नजर आ रहे हो, तो सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि आरोपियों की गतिविधि आखिर ट्रैक हुई क्यों नहीं। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो भी तमाम सीसीटीवी सामने आ रहे हैं वो निधि और जो मृतका है अंजलि, उन दोनों के ही सामने आ रहे हैं। जिन 5 आरोपियों पर ये सारे आरोप लगे कि जिनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुई है, जानबूझ के किया, जो भी है जांच का विषय है, उनके सीसीटीवी इस पूरे मामले में अभी तक सामने नहीं आते, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर शंका और बढ़ जाती है कि आखिर क्या वजह है। आप खुद एक पुलिस अधिकारी रहे, देखिए जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये जरूरी नहीं कि सारी बातें मीडिया को बताई जाए। हो सकता है कि उनके पास, ये जरूरी है कि उनको भी ट्रैक करना चाहिए, जिस प्रकार से लड़कियों के सीसीटीवी के लिए ट्रैकिंग की है उस रूट की, और जहां जहां सीसीटीवी मिले हैं, होटल पे मिले हैं, वहां पे मिले, उनके घर पे मिले हैं, तो उसी प्रकार से ये जरूरी है कि जो कार जिसने एक्सीडेंट किया उसको भी पीछे रिट्रैक किया जाए। जैसे वो कह रहे हैं उनकी स्टोरी के मुताबिक, अगर वो मुरथल से आ रहे थे तो मुरथल और उस जगह के बीच में बहुत से सीसीटीवी फुटेज आए होंगे, वो सीसीटीवी या तो पुलिस ने ले रखे हैं जो कि मीडिया को नहीं बता रखे हैं, या नहीं लिए हैं तो ये एक सीरियस बात है, इसके भी सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड में आने चाहिए ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके और इसमें सच्चाई का पता लग सके। तो एक्सपर्ट्स देखिए, दरअसल ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो है वो अब समझनी होंगी फिलहाल इस केस में पुलिस को, समझने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि सवाल लगातार कई बने हुए। लेकिन अंजलि की दोस्त निधि ने देखिए ये बताया था कि अंजलि ने ड्रिंक करी हुई थी, लेकिन अंजलि का परिवार निधि का ये जो बयान है, निधि का जो दावा है, उसे पूरी तरह से खारिज कर रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दे रहा है जिसमें शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में हमारे एक्सपर्ट से सवाल था कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब पीने की पुष्टि होती है या फिर विसरा रिपोर्ट से ही गुत्थी सुलझ पाएगी। घटना के करीब 48 से ज्यादा घंटे के बाद निधि सामने आई और उसने बताया कि मैं भी एक्सीडेंट के समय, वारदात के समय वहां पर मौजूद थी, और उसने एक संगीन आरोप, राव साहब, ये लगाया कि अंजलि ने शराब पी हुई थी। पोस्टमार्टम हुआ है, कैसे उसकी बातों पर भरोसा किया जाए और दिल्ली पुलिस ये क्यों नहीं नकार देती कि PM में तो ऐसी जानकारी मिली नहीं है, उसने शराब पी रखी थी, तो निधि की बातों पर कैसे भरोसा करेगा उसने शराब पी रखी थी। देखिए, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स हैं, वो उसके पेट में शराब है या नहीं है उसको निश्चित रूप से कंफर्मेशन नहीं दे सकते। वो ये कह सकते हैं पेट में क्या क्या मिला उनको, जो पोस्टमार्टम किया तो पूरा छीट फाड़ करके देखते हैं कि क्या क्या चीज मिली है।
तो वो ये तो नहीं कह सकते कि ये शराब है या कोई और लिक्विड है, उसका पता तब चलता है जो विसरा उसका प्रिजर्व किया है, विसरा जाएगा केमिकल एनालिसिस करने के लिए, तो केमिकल एनालिसिस करने वाला जो FSL का डॉक्टर है वो बताएगा इसमें कि ये जो विसरा में जो उसका धोमन बोलते हैं, उसको हिंदी में धोमन बोलते हैं, पेट के अंदर की जो कंटेंट्स हैं, स्पाइन है होती है और कई चीजें होती है, उसमें शराब के कॉन्टेक्ट हैं या नहीं है वो विसरा के एग्जामिनेशन से पता चलेगा, ना कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से पता लगता है। तो ये अंदाजा लगाया गया होगा, डॉक्टर ने कहा होगा कि शायद इसमें नहीं है, उसी बात को लेकर पुलिस ने या पब्लिक ने या मीडिया ने मान लिया कि उसने शराब नहीं पी रखी, लेकिन शराब पीना या नहीं पीना इसका निश्चित रूप से विसरा के रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा।